अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ट्यूशन में जब लड़कियां भाव नहीं देती थी ना, तब पार्क के कोने में कलर मोबाइल फोन पे हॉट बिकनी गर्ल्स की फोटो दिखाने वाला राजू, मेरा दोस्त। राजू, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा भाई है भाई। You broke my heart, bro. I'm coming. Okay, friends. So please listen. हमारे बीच राजू के बचपन के फ्रेंड्स हैं। और मेले में बिछड़े हुए फ्रेंड से मिलने की खुशी में आज की पार्टी का पूरा बिल ये पे करेंगे। बिल? Did you enjoy the party? What am I asking? Of course they did. एक मिनट, हम पे इतनी चौड़ी होने वाली, तुम हो कौन? राजू ब्रो, बंधु। राजू ब्रो, अपने बचपन के फ्रेंड को नहीं पहचाना? राजू महेश्वरी। राजू 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 माय फ्रेंड ब्रो, रजिया गुंडों में फंस गई ब्रो, दरवाजा उतर है ब्रो, चल निकल ले। लगता है मैं गलती से गलत पार्टी में घुस गया, सॉरी। ब्रो, क्लीन इट, क्लीन दैट। अब साले मोटे, तेरा तो कच्चा भी ले गए, मेरी कम से कम जीन्स तो छोड़ गए साले। ब्रो, ये तेरा फोकट का पार्टी ना, बहुत महंगा पड़ा ब्रो। स्टड बनने के चक्कर में मुझे भी बचा दिया। सुन मोटे, तू इसका साथ छोड़ दे, मनुष है साला। मनुष किसे बोला बे? साले तेरी तो किसे बोला मनुष? ब्रो, तेरी माँ मनुष, तेरा बाप मनुष, तेरा खानदान मनुष। साले रक्षाबंधन वाला कुर्ता पहन के आ गया दारू पीने, हवन चल रहा इधर, काम कर ले चुपचाप। ब्रो अभिषेक, शुद्ध हिंदी में निरोध आदमी का सबसे बड़ा शत्रु होता है कंट्रोल। अब भैंस बुद्धि, निरोध नहीं क्रोध होता है साले। व्हाटएवर ब्रो, एंड यू यू हैड शिट अंडरवियर, क्लीन दैट शिट, क्लीन दैट शिट। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आपको देख के मुझे एक जोक याद आता है, कहिए तो सुना दे। आप लिखते रहिए, हम जोक सुनाते रहेंगे। जोक ये है कि हाथी को चींटी से प्यार हो जाता है। सर ये जोक था, बड़ा फनी जोक था। हाथी को चींटी से प्यार, आप समझी, हाथी को चींटी से प्यार हो जाता है। कौन है? ले लिया बेटा आशीर्वाद, जाओ खुश रहो। हाँ, वैसे आपसे कुछ एक बात पूछनी थी। पूछें? पूछें? चलिए ठीक है, बात दरअसल ये है। चौबे जी, आपने कुछ कहा? चौबे जी, अरे राजू जी, आइए आइए आइए। आपको भी एक जोक सुना दें, आते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की मीटिंग का पर्पस तो आपको पता होगा चौबे जी, टीआरपी। पिछले हफ्ते तो 20 में थी। हाँ हाँ, वो पिछले हफ्ते चूहे बने पति को नागिन भाभी जो निगलना चाह रही थी, नेवला सास ने क्या लड़ाई की थी, वाह। बहुत जहरीला झगड़ा था भाई। टीआरपी भी जहर थी, जहर। ऑफ एयर जा रहा है। क्या? शो ऑफ एयर जा रहा है। लेकिन क्यों? टीआरपी लो नहीं, नो टीआरपी। तो एक काम करते हैं, सास को देवी शक्ति दे के उसको मगरमच्छ बना देते हैं। चौबे जी, हमें प्राइम टाइम पर नंबर वन शो चाहिए, टीवी के 20 शोज में से 20वें नंबर पे नहीं, इसलिए चैनल ने डिसाइड किया कि वो शो बंद कर देंगे। शो बंद कर देंगे? अरे यार राजू, कैसी बात बोल रही हो यार। मैंने लोन उठाए हुए, हाउस लोन उठाए हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। चौबे जी, आपका बिल जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा।
अरे अरे अगर ऐसा है तो नया कॉन्सेप्ट है यार मेरे पास, डायन सास और तांत्रिक बहू। सुन तो लो यार, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, प्लीज। नहीं चौबे जी, कोई सेंसिबल हो तो मेल कीजिएगा। क्या देख रहे हो यार, शो बंद हो रहा है और देखे जा रहे हो? आ जाओ माधव, खुला है। माधव, मुझे लगा तुम बड़े हो गए होगे, आते डाल लो अब तो तुम। सॉरी आंटी, वो कल से देर नहीं होगी। आंटी माधव, मैं तुम्हें किस तरह से आंटी दिखाई दे रही हूँ? अच्छा चलो छोड़ो, जाओ अपनी आंटी के लिए कप चाय तो बनाओ। आंटी वो मैं चाचा मिस्टर माधव सर, माधव। यस मिस्टर माधव, दिस स्टोरी इज एन एब्सोल्युटली क्रैप। क्या जजमेंट है आपका सर, वाह क्या जजमेंट है सर। आपने तो कहा था कि बबीता भाभी वाला सेक्स सिंगल डालना है, तो मिस्टर माधव सर, वी आर मेकिंग अ क्राइम सेक्स ड्रामा शो। इसमें क्राइम कहाँ है? पहला सीन में सेक्स, तो ड्रामा कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? प्लीज गो एंड लर्न हाउ टू राइट स्क्रीन प्लेज। सर क्राइम होने ही वाला है, आप बस आके पढ़ तो लीजिए एक बार। मिस्टर माधव, यू नो दिस स्क्रिप्ट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। सर आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको इससे भी अच्छे स्क्रिप्ट। सर का लंच का टाइम हो गया, यू कैन गो नाउ। ओ सलीम जावेद के फूफा, अगर शोले सुना ली हो तो आएगा ऑफिस, लगे धंधे पे। बैठिए। पढ़िए। चाचा के बर्ड। अंकल वो ऐसे ही थोड़ा सा। मैंने कहा पढ़ो। चाचा के बुढ़ापे का नतीजा, चाची ने फंसाया भतीजा। सलीम जावेद के फूफ पे हाँ क्या लिखा है? हाँ अब एक काम कीजिए, अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और निकलिए यहाँ से। चाचा वो शो आता है ना समझ जाए इंडिया, उसके लिए ऐसे ही थोड़ा सा लिखा था। आरसी जी, रमेश चंद गुक्की, स्टार डायरेक्टर ये नाम है मेरा। कहानी और कहानी के पीछे की कहानी, उसका फर्क मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अब एक काम कीजिए, अब जाइए यहां से, क्योंकि आप जैसा महान क्रांतिकारी लेखक हमारे छोटे से ऑफिस में काम करे, वो भी बतौर ऑफिस बॉय, शोभा नहीं देता ना। आप जाइए। हम्म।
ये नई स्क्रिप्ट मंगाया क्या सर? चाचा के बुढ़ापे का नतीजा, चाची ने फंसाया भतीजा, कैचे टाइटल है। रख बे, रख। चाचा का भतीजा साला। आ जाओ माधव, खुला है। कुछ ज्यादा ही खुला है, बंद रखा कर। माधव, अपनी आंटी के लिए चाय नहीं बनाओगे? तुमसे ना हो पाएगा, और जिससे हो पाएगा वो मेरी सुनता का है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब जब किचन का काम आता नहीं तो करते क्यों? एक चाय तो ठीक से बनती नहीं है तुमसे। अच्छा, ऐसा कहो ना। अब ऐसे दांत निकाल के बैठे क्यों? किचन में गंदे बर्तन पड़े हैं, उसे कौन धोएगा? माधव। माधव गया। Great, PP, you are a great composer. Bro, Abhishek, listen to my new tune for upcoming TVC. Please. Suna mote. Ram, Raju, Ranjan, sab karte Asha Manjan. Ram, 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 Raju, Ranjan, Ranjan. Asha Manjan, Asha Manjan, Asha Manjan, ho. Asha! Saale sasta nasha phukke, pakana band kar mujhe. साले सिक्स पैक बनाए तेरी गजरे सुनो बैठ के। ब्रो, दिस इज नॉट सस्ता नशा। तूने अपना माल फूक और तंबूरा बजा। साले मैं यहाँ दो दो पैसे के लिए दर-दर की ठोकरे खा रहा हूँ। डोंट ईट दर-दर की ठोकरे, ईट घर का माच भात। और घर का रेंट वो क्या तेरा रोबिंद्रो देगा आके? रेंट तू भरेगा। मैं क्यों बे? क्योंकि ब्रो मेरे पास तेरे को देने के लिए अब लोन नहीं है। अब है पीपी भाई नहीं है तू मेरा? पीपी भाई। यस ब्रो। सही बोलू? यस ब्रो। क्यों तुम्हारी मस्ती यार? एक्स्ट्रा यार। थैंक यू। यार तुझे तो पता है मैं तीन तीन छेद वाले कच्चे पहन के गुजारा कर रहा हूँ यार, पैसे कहाँ है मेरे पास? ब्रो इवन आई डोंट हैव मनी। ओके, तुझे याद है मेरा लास्ट काम कौन सा था? दैट चिपकू ग्लू टीवीसी, एंड यू नो दिस आशा मंजन टीवीसी। ब्रो ये भी मुझे नहीं मिलने वाला। साले एक साल से ऑडिशन पे धक्के खा रहा हूँ, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा। रामलीला में एक छोटा सा रोल मिला था, पता है किसका? वानर सेना जीत के जा रही है और मैं औरत बन के उस पर फूल फेंक रहा हूँ। घाघरा चोली पहना के खड़ा कर दिया सालों ने और उसके भी पैसे नहीं मिले। ब्रो बट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। साले मकान मालिक को पैसे नहीं मिले ना, तुझे और मुझे उठा के बाहर फेंक देगा। फिर ये इंडस्ट्री दो महान कलाकारों को खो देगी ब्रो। This is very painful. कुछ सोचना पड़ेगा ब्रो, कुछ सोचना पड़ेगा। अरे माधव भैया कुछ खास चबा है क्या उसमें? अरे काका हमने तंबाकू डालो। सुपारी। अरे अरे हमारी कविता छप गई। क्या काका हमारी कविता छप गई अखबार में, बन गए हम लेखक। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ। एक पान खा के जाओ। पान तो खाते हैं, पान तो खाएंगे। अरे आ गए आप? देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। खाली अखबार? कम से कम भेलपुरी डाल लाते। अरे भेलपुरी भी खिला देंगे, लेकिन देखो तो सही है क्या है, हमारी कविता छपी अखबार में।
बारे में नाराज हो क्या? नाराज? आपसे कौन नाराज हो सकता है? देखिए मेरे लिए कितनी बड़ी लंबी गाड़ी लाए हैं आप, घुमाने ले जाने वाले हैं अभी। अच्छा बाबा, गलती हो गई, आगे से देर से नहीं आएंगे पक्का, माफ कर दो प्लीज। माफ तो अब तुम ही मुझे कर दो माधव। ये किसकी शादी? सोनी, ये मजाक है ना? मजाक? मजाक तो तुम कर रहे थे माधव मेरे साथ। देखो सीधी सी बात है, मुझे ना जिंदगी भर 555 वाली बट्टी से तुम्हारे कच्चे नहीं धोने, मेरे सपने वॉशिंग मशीन के। और हमारा प्यार? प्यार था माधव, और क्या है ना, ये प्यार व्यार इश्क मोहब्बत ये सब किसी से भी हो जाता है, पर शादी तो दिमाग से होती। और हाँ, तुम्हारी इन रद्दियों से ना तुम दीमकों के पेट भर सकते हो, किसी लड़की के नहीं। और रमेश स्कूल में टीचर है, 30,000 रुपए तनख्वाह है उनकी। मेरे लिए मारुति अल्टो भी बुक कर ली है, वो भी एसी वाली। कवि वर्य लेखक माधव जी, आपकी कविताओं से और कहानियों से जिंदगी नहीं चलती। स्टार है स्टार। दादा कहीं तो एक ब्रेक दिला दो प्लीज प्लीज। और अब परफॉर्मेंस संभाल लेना है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। अभिषेक, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन रे। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। बेटा मैं देता हूं ना इसका आंसर। अंकल आप अंकल वो कुछ चाय कॉफी कुछ अंकल। सॉरी अंकल ब्रो, देयर इज नो मिल्क इन द किचन। Would you like to have chilled beer? Thanks, but no thanks. It has been last 6 months. You guys are giving me goli pe goli. Don't worry, uncle. This time I will give you real powder, direct from the Himalaya. अबे चुप्पे। एक तो 6 महीने से भाड़ा नहीं दिया है। ऊपर से गरीबी का नाटक करके 15,000 भाड़े के मकान को 6,000 में लिया। 10 days. 10 days मेरा भाड़ा चुकता करो, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। ओके। यू फैट ब्रो, यू घटिया एक्टर ब्रो। 10 days और गेट रेडी टू throw. Bro, देख, don't give me these looks, okay? Listen, my job is to buy food and beer. और तू इस मंथ अपने बजट से ज्यादा बियर पी चुका है ब्रो। ओके, सो जस्ट एफ ऑफ। हंग्री मैन, ब्लाइंड मैन, एंड 100 bucks, 50 bucks, फाइनेंशियल हेल्प। लिसन टू। हाँ सर, हाँ आया, मेरे को फोन आया। अरे मैं आऊंगा ना, आ जाऊंगा सर। अरे थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। यू विल give 100 bucks, he will give you crores. Listen to poor blind man, hungry man, blind man, burger, pizza, vada pav, hungry,
लिसन टू पुअर टिफ टिफ फ्रॉड पकड़ पकड़ खूब समझा गया पकड़ 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 बुला 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 पुलिस बुला सर सुनिए मैं आपको ना थोड़ी देर में बात करता हूँ सर अब सर हाँ हाँ ओके अबे पीपी ए इकड़े से इकड़े आ अरे रुको 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 क्या एक्टिंग किया क्या एक्टिंग किया मजेदार सुपर हिट है नहीं समझे डिजिटल वीडियो है लाइक शेयर सब्सक्राइब समझ गए ना चलो एक्टर के साथ फोटो खिंचवाओ चलो चलो एक्टर फोटो खिंचवाओ सबके साथ चलो 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 इधर देखो सारे स्माइल गजक चलो चलो बहुत बढ़िया वीडियो देखने के लिए चलो 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 टाइम पास पैसे दिखा ए भैया भैया ए इधर आओ पैसा निकालो चलो चुपचाप ये देख पैसे इधर ला Bro, you are very selfish. तू मुझे इन क्रूर लोगों के बीच छोड़ के भाग गया पीपी ब्रो पूरे 1500 हैं 1500 ओके ब्रो इसमें से 1200 मेरे एंड 300 तेरे हैं ब्रो मैंने रिस्क लिया ब्रो आइडिया किसका था ब्रो मैदान जंग में मैं खड़ा रहा अबे तूने कभी सुना है जंग में खड़े होने वाले को पैसे मिलते हैं भाई पैसे जंग करवाने वाले को मिलते हैं यार अच्छा सुन ये 1200 मेरे ठीक है ओके 300 ये 300 तेरे ठीक है ब्रो माय 300 अबे यार पैसों के लिए इतना मत रोया कर पीपी कब सुधरेगा तू सुन तेरे भाई को एक बहुत बड़ी फिल्म मिल गई है एक पुराने डायरेक्टर RCG की तेरा भाई तुझे पैसों में तोल देगा तू टेंशन मत ले पीपी ब्रो RCG मैंने आज तक इसका नाम नहीं सुना जब पिक्चर सुपर हिट हो जाएगी ना भाई तब उसका और इसका नाम पूरा इंडिया सुनेगा समझा मैं चेंज कर लूं चेंज अभी कहां से लगाई से अभी तो हाजी अली भी जाना है चल बाबा हाजी अली बाबा हाजी अली बजा मेरा बजा हेलो हाय समर राजू यार इट हैज बीन 1 month नाउ अभी तक तुम एक कॉन्सेप्ट नहीं ढूंढ पाई हो यू नो व्हाट आई ट्रस्ट यू इसीलिए मैंने सारे डिसीजन तुम पर छोड़े हैं आई एम सॉरी समर बट डोंट वरी आई वोंट लेट यू डाउन यू नो वो VTV संभल जा इंडिया नंबर 1 शो हो गया है और साथ में हमारे सारे स्पॉन्सर्स ले गया है ट्राई टू फाइंड समथिंग लाइक दैट ओनली ओके समर I'm looking for something pure, something original, which is narrated directly from the heart. Give me some time, Samar. I promise I'll get back to you soon. Please. Hope so. चले सावर गोरिया ओ रामा चले सावर गोरिया ओ चले सावर गोरिया ओ रामा चले सावर गोरिया ओ कहाँ वहाँ किसका ऑर्डर है मीटिंग है पिज्जा का ऑफिस बाहर निकल के पिछवाड़े पे मुझे राजू सर ने बुलाया है कौन राजू क्या हो गया मैडम को ये पिज्जा वाला कहानी लिख सकता है तो हम काहे हीरो नहीं बन सकते हैं जी अंदर जाके कमरा नंबर 2 थैंक यू सही कहा है कलयुग में कि हंस चुगेगा दाना बुनकर और कौवा मोती खाएगा या सर ओके थैंक यू
सॉरी। Excuse me. My lighter. I'm sorry. Thank you. Excuse me. Yes. I'm here to meet Mr. Raju. Mr. Raju? एक मिनट। दिस। ओके। आप केबिन में वेट कीजिए। थैंक यू। ए, मोटे, क्या बना रहा डार्लिंग? Can't you see, bro? I am making omelet. अबे तो भाई के लिए भी बना दे यार। No, bro, तू मोटा हो जाएगा। और जिस तरह एक ढाल में दो तलवार नहीं रह सकता ना, उसी तरह एक घर में दो मोटा, नॉट पॉसिबल ब्रो। अबे ढाल नहीं मोटे, मयान होता है, मयान में रहती है तलवार साले। व्हाटएवर ब्रो, और तू वैसे भी इस महीने 6 अंडे एक्स्ट्रा खा चुका है। सुन, तुझे ना एक मुर्गी और एक मुर्गा ला दूंगा, दोनों को कमरे में छोड़ दियो, रोज अंडे मिलेंगे, खा लियो साले, भर लियो अपना पेट। ब्रो, स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस मुर्गा मुर्गी संभोग। तू पहले रेंट चुका, रेंट का जुगाड़ हो गया है। कैसे? कैसे? तेरे भाई ने पीजी के लिए ऐड डाला था, ये देख। तो आप मिस्टर माधव हैं? जी जी, एक्चुअली मुझे मिस्टर राजू, अब मेरा मतलब है राजू सर, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं ही राजू हूँ, आई मीन मिस राजू महेश्वरी। प्लीज सिट। सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके, जो भी मुझसे पहली बार मिलते हैं उन्हें ये कन्फ्यूजन होता ही है, सो नो वरीज। वैसे काफी अलग नाम है, दो शब्द जैसे कहानी छिपा कर बैठे हूँ। काफी लंबी स्टोरी है, फिर किसी और दिन। So, should we talk about work? जी। We liked your story. काफी अलग और realistic grounds पर है। ये stupid crime shows और सास बहू के ड्रामे से अलग, एक गांव की कहानी, जहाँ एक लंदन से पढ़ी हुई लड़की और एक जर्नलिस्ट मिलकर सोशल ईविल से लड़ते हैं और डेवलप होती है एक प्रेम कहानी। Wow, I'm impressed. जी, थैंक यू। पर हमें कुछ चीजें करनी होंगी। So, सबसे पहले हमें एक दमदार टाइटल सोचना होगा इसके लिए, और कैरेक्टर्स को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना होगा। मैं ट्राई करता हूँ। आई होप यू डू इट। सो वेलकम टू A6 एंटरटेनमेंट टीवी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इतनी ज़्यादा नाराज़गी क्यों, डार्लिंग? तुम्हें नहीं पता क्या? माधव? हाँ, वो घर के सारे काम करता था, सारे भारी भरकम। अब तो तुमने मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया है। क्या बात कर रही हो? पिछले हफ्ते तो वो नई बाई आई थी, क्या वो भी छोड़ गई? मुझे ना नहीं समझ में आती घर की बाई आई है, काम कम करती है, नखरे ज्यादा होते हैं इनके। डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू अच्छी वाली बाई लाऊंगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा एक फ्रेंड है और उसका एक नौकर है, वो घर के सारे काम कर लेगा और तुम्हारी हेल्प भी कर देगा ऑफिस में।
तुम अगर कहो तो मैं उसे बुला लूं। ओह माय स्वीट अभी। चलो अब अपनी जहर जबी के लिए एक कप चाय नहीं बनाओगे? जाओ ना। अबे बोल। प्रणाम सर। अरे प्रणाम की। सर अपने फिल्म के लिए एक लड़का लड़की पटा लिए हैं। फोटो भेजो क्या सर? अबे फोटो भेजकर क्या वो राजेश खन्ना बन जाएगा क्या? अबे सीधे बोला कल शूटिंग पे। हाँ ब्रो। माय रूममेट इज अ ग्रेट एक्टर। ही मस्ट बी मेडिटेशन यू नो। ध्यान ध्यान। टू पफ्स ऑफ मसाला क्रीम। Close your eyes and you get directed to Kailash. Lord Shiva. Om Shanti Shanti Shanti. He must be coming. These actors, they are very focused. Concentration. Bro. 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 हवेली। किधर गया? एक्सक्यूज मी ब्रो। सॉरी आई फॉरगॉट कि मेरे हवेली में विंडो भी है। ब्रो 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 कैलाश पर्वत नहीं है ब्रो, ये गन्ना के जूस में डालने का बर्फ है ब्रो। अब गन्ने का नाम मतलब बीबी गन्ने ने तो गोदाम बना दिया भाई। बीबी बीबी तेरा भाई कहीं भूत खाने लायक नहीं रहा बीबी। सुनो कपड़े प्रेस कर दिए ले जाके मैं करूँ। ऐ चाय सुन। जी सर। इधर दे एक और वो ले जाके मेकअप रूम में रख दे फटाक से, बहुत नखरे करते हो। और सुन तू स्क्रिप्ट रख दे। चाय स्पॉट। है सर चाय। सर चाय। चाय के दिन गए बेटा, कॉफी लेके आ। ओके सन ब्लैक कॉफी। ओके सन विदाउट शुगर। अच्छा सन अब चल जा। सर शॉट रेडी है सर। चल। ओके सर। चलो एवरीबॉडी रेडी, लाइट्स रेडी, स्टार्ट साउंड, एक्शन। कैदी तुम्हें अपने लिए सजा खुद चुननी है, बोलो मेरे साथ झिंगा लाला करोगे या मृत्यु चुनोगे? राजकुमारी आपकी खूबसूरती देखकर तो मेरा रोम रोम झिंगा लाला के लिए मचल रहा है। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी राजकुमारी मैं ताऊंगा आपके साथ झिंगा लाला करने के लिए। दासियों इसे तब तक झिंगा लाला दिया जाए जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। सताओ मत, अब कर ही डालो। वाह क्या नेचुरल एक्टिंग है। अबा शेर ही बे। अबा एक्टिंग का तेल लेने मुझे मृत्यु दे दिया। कट बोल कुकी। कट। क्लैप एवरीबॉडी। तालियां।
साले मुझे बोला कि हाय लगेगी तुझे मेरे हीरो शिवा नागा साकी में आटा बम गिरा दिया तुझे साले साले तेरे बीवी को मनमानी छुटा के ले जाएगा बुढ़ापे में नवा भी शौक लगेगा तुझे तेरे पिछवाड़े से पाल की पिचकारियां निकलेगी साले कुकी सर कॉफी कॉफी तेरे कॉफी साले सर, अरे कहाँ गया वो सर 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 अरे ट्रिप सर 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 क्या है पेमेंट सर एक मिनट अरे बोला पैसे तेरे ब्रो दिस इज वेरी पेनफुल ब्रो पीपी 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 मैं कहीं कुआरी माता नहीं बन जाऊंगी भाई अरे पगले तेरे बच्चे को मैं अपना नाम देगा रे मेरा मतलब ब्रो दिस इज ऑल बुलशिट ये पॉसिबल नहीं है ब्रो अबे बीबी यार ये कलयुग है भाई जब शी शी ने रही बन गई तो यार ये ही माँ क्यों नहीं बन सकती ही वो शी. क्या कहा आपने अभी ही शी शी क्या शी शी अबे कौन है बीबी अश्लील प्राणी अबे साले ऐसे नाजुक मौके पे तू क्या क्या सवाल पूछ रहा है बे ब्रो ब्रो देख देख तेरा तबीयत ठीक नहीं है तू बर्फ से अपने गोदाम से मैं इसको स्पेस दिखाता हूँ चल कम ब्रो ब्रो नेक्स्ट टाइम पिज्जा के बैग में पिज्जा लेके आना कपड़े नहीं लुक ब्रो ये है तेरा एरिया किचन देख मैं खाता है माछ भात तो अपना ब्रो खाता है राजमा भात जब तू बनाएगा जैसा बनाएगा हम लोग खा लेगा पर ब्रो बनाएगा तू ओके चंदू है ओ सॉरी 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 आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी सॉरी अब ऐसे बैठ के मुंह क्या देख रहे हो जाके चाय बनाओ मेरा सर भारी हो रहा है चंदू के लिए भी एक कप चाय बनाना ये मेरा पेडिक्योर कर रहा है ना मालिक मेरी चाय में ना थोड़ी सी इलायची और अदरक डाल लियो हेलो हे राजू एनी प्रोग्रेस वी आर लूजिंग अवर स्पॉन्सर्स यार डोंट वरी समर वी आर रेडी विथ अ प्रेजेंटेशन यू फिक्स अप अ मीटिंग विथ देम वी गोना रॉक दिस टाइम ओहो समर इज लुकिंग प्रीटी कॉन्फिडेंट टुडे किसका असर है भाई कुछ खास नहीं बस नए शो के साथ कुछ नई नई सी फीलिंग्स हो रही हैं ग्रेट होप फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी ओके गुड लक थैंक यू ब्रो ब्रो भगवान से डर ब्रो बाहर आ जा ब्रो अबे पीपी भारी तो नहीं आ रही यार देख जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा तुझे दो मिनट में बाहर आना पड़ेगा ब्रो अबे मोटे साले झींगा लाला का डर और कल के बटर नान भारी नहीं आने दे रहे यार डर के आगे जीते ब्रो ऊपर वाले या तो मेरी जान निकाल दे या ये नान निकाल दे ब्रो तू सुबह सुबह कहाँ जा रहा है भाई सुन मेरा हो जाए फिर तेरा नंबर है अरे मेरा नंबर सबसे पहला था आज एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है उसके लिए जा रहा हूँ
गॉड, इस कंट्री को हो क्या रहा है? पिज़्ज़ा डिलीवरी गाइस आर डूइंग कॉन्फ्रेंस। ब्रो, बट व्हाट अबाउट माय ब्रेकफास्ट? किचन में आलू के पराठे रखे हैं, खा ले। आलू? आलू के पराठे? ब्रो, व्हाट अबाउट माय माछ भात? ब्रो, दरवाजा खोलते वरना मैं तोड़ दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। दिस टाइम यू वोंट गेट डिसअपॉइंटेड। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। लेट्स सी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग समर। भाई, इस बार मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, क्योंकि इस बार हम ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं जो टीआरपी की ऊंचाइयों को छुएगा। मिस्टर समर, पिछली बार आपके नागिन और नेवले के चक्कर में हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। वी एक्सेप्ट दैट सर, बट देन दिस शो विल एक्साइट यू। आई कैन प्रॉमिस यू अबाउट दैट। मिस्टर समर, कंटेंट शुड बी रियल, फ्रेश और इमोशनल, ताकि हमारे प्रोडक्ट से ऑडियंस एक रिश्ता कायम कर सके। कुछ ऐसा हो जो दिल को छू जाए। दिल की ही तो बात है सर, जो बिल्कुल सच्चाई से निकलकर कागज पर उतराई है। मैं कम इन? या प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आंखों में कई सपने संजोए, कुछ कर गुजरने का इरादा लिए हुए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई एक लड़की, जितनी खूबसूरत उसकी सूरत, उतनी ही सुंदर उसकी सीरत। कॉन्फिडेंट पर केयरलेस लड़की, कई उलझनों के बावजूद सुलझी हुई लड़की, जिसने दुनिया भर की चकाचौंध को छोड़कर भारत के एक पिछड़े गांव में बसने का इरादा किया, जिसने उस गांव के सपनों को अपना सपना बना लिया और शुरू किया एक एनजीओ, ताकि गांव को बदहाली से उबार सके। जिसने गांव के दबंगों को बना लिया अपना दुश्मन और एक मामूली से अखबार में लिखने वाले पत्रकार को हो गया उससे प्यार। मरहूम पिता राजेश का रा और स्वर्गवासी मां जूही के जू ने गढ़ा उसका नाम राजू। क्या राजू उबार पाएगी गांव को बदहाली से? क्या दबंग हटा सकेंगे राजू को उसके मकसद से? क्या पत्रकार का प्यार होगा कबूल? अब जानने के लिए देखिए श्री राजू, सिर्फ A6 टीवी पर हर रोज रात 8 बजे। समर, हम ही शो कर रहे हैं यार। थैंक यू विनय, थैंक यू वेरी मच। प्लेजर एंड गुड जॉब राजू। नाइस जॉब। गुड जॉब। थैंक यू सर। चलो आई एम मूविंग। नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। पर मेरी जन्म कुंडली कहाँ से निकाल ली? सॉरी, ये उस दिन आपके लाइटर के साथ गिर गया था। थैंक यू। वैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मिलते हैं। क्या तुम मेरे रियल लाइफ वाले हीरो बनोगे? मछली जल की रानी है, आज तेल में जानी है। मछली जल की रानी है, डीप फ्राई हो जानी है। मछली जल की रानी है। माधव ब्रो, आई वॉज वेटिंग फॉर माई पिज्जा। मोड़ा भाई, मेरे साथ चल, तुझे पिज्जा भी खिलाऊंगा और दारू भी पिलाऊंगा। I thought माधव है, पिज्जा वाला माधव। और ब्रो,
तू खिलाएगा? यस ब्रो, कोई लॉटरी लगी है तेरी? मटे फ्री की पार्टी, फ्री की, याद आया? नो ब्रो, तेरा ये फ्री का पार्टी ये बहुत महंगा पड़ता है ब्रो, मैं नहीं जाएगा। अबे साले तू इतना डरता क्यों है? अबे सुन, इस बार पास है तेरे भाई के पास, मेरा एक दूर का दोस्त है असिस्टेंट डायरेक्टर, उसने दिया है, अबे चलना। ब्रो तेरा ये दूर का दोस्त ना ये बहुत डेंजरस होता है ब्रो, मैं नहीं जाएगा। इट्स ए बिग एन ओ। नहीं जाएगा तू? एन ओ ओ मोटे स्टिल एन ओ। शराब भी क्या चीज है ना, गिलास में आई और खाली हो गई, दोस्त एक और बना तो जरा। एक्सक्यूज मी, ये शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है, प्लीज मत पिए। हानिकारक के ऊपर एक जोक याद आया, सुनाए आपको? हाय, वेलकम टू द न्यू सेट ऑफ आवर न्यू शो श्री राजू। एक ऐसा शो जिसने हमें वापस टीआरपी की दुनिया में नंबर वन बना दिया है। क्या हो रहा है बताइए। And guys, 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 a huge round of applause to our new player, none other than Raju. Party, party, not again. Okay, bro, तेरा तूर का दोस्त राजू bro. मेरे को बर्तन ही किसना, मैं जाता है। ना, बर्तन क्यों किसेंगे? बस साले इनविटेशन अपने पास, हम यहाँ के दमाद हैं, आज साले टेंशन क्यों ले रहा है? और इसको तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा ना, तू देखता रहे, साली शेर की खाल में बिल्ली। ब्रो इनवाइट है? अब है ना। तो ब्रो पार्टी, चल दारू पीते हैं। ब्रो हमारे शो के मास्टरमाइंड, हमारे शो के राइटर मिस्टर माधव। सॉरी टीपी, वो देख माधव। ब्रो किसने वाला माधव? अबे भाई स्टार राइटर माधव। ब्रो इसका भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा ब्रो। अबे मोटी बुद्धि, दुश्मन का दोस्त अपने साथ रहता है, उधर देख। ब्रो इस नैपकिन का सांप। अबे क्या करूं मैं तेरा, साले नैपकिन का सांप नहीं आस्तीन का सांप। ब्रो व्हाटएवर। टीपी देखा तूने, हम जैसे टैलेंटेड कलाकार घिसते रह गए और ये साला पिज्जा पहुंचाते पहुंचाते राइटर बन गया भाई, स्टार राइटर। ब्रो इन दोनों का कुछ सोचना पड़ेगा ब्रो। सही कह रहा भाई, सोचना तो पड़ेगा। पीपी वो देख चौबे। चौबे? अबे राइटर चौबे। ब्रो मैंने सोच लिया, तू चल 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 चल। तुम बताओ ये कैसे काम करेंगे, नहीं हो सकता ना यार। चौबे जी। कौन बोला? फेमस राइटर चौबे जी। अरे सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, बहुत बड़ा। ब्रो आई एम ऑल्सो योर बिग फैन ब्रो। सर अरे यार कहाँ के फेमस दोस्त, वो कल का लौंडा हमारी नौकरी ले गया और तुम फेमस कह रहे हो, बताओ यार। अरे चौबे जी आपके जैसा महान राइटर ऐसे कैसे हार मान सकता है सर। अरे आपने तो कितने बड़े बड़े घर तोड़वाए हैं, हैं? ये सास बहू के झगड़े करवाए हैं। अरे आपने तो कितने तलाक करवाए हैं सर, भूल गए क्या? नागिन, नेवला, बिच्छू, सांप, है क्या क्या कैरेक्टर बनाए सर आपने। अरे सर ये आपके लिए क्या केस है क्या? राइटर ब्रो स्क्रीन प्ले में एक नया ट्विस्ट डालना होगा ब्रो। ट्विस्ट के ऊपर एक जोक याद आ गया, सुना दूं? चौबे जी सुनाओ मत, जोक बना दो। बना देते हैं